अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कमाल अहमद। मुखातिब हूँ आपसे आज के रिव्यू में। मेरे पास है जी होंडा वीजल 2018 मॉडल, फ्रेश इंपोर्ट, ब्लैक कलर की। अंदर से इसका रूम बेज है, फ्रेश अभी गाड़ी मेरे पास पहुंची है। आपको गाड़ी का रिव्यू देता हूँ। गाड़ी मेरे शोरूम पे अवेलेबल है, तो गाड़ी चल कर आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए गाड़ी की तरफ चलते हैं। वीवर्स होंडा वीजल हाइब्रिड 2018 मॉडल, फ्रेश इंपोर्ट है, न्यू शेप में है और गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू 4.5 ग्रेड के साथ। इसकी शो ग्रिल देखें, ये इसमें नई शेप में ये शो ग्रिल आ गई थी क्रोम की, और बम्पर सेंसर्स हैं, ब्लैक कलर है, गाड़ी बहुत खूबसूरत है। 4.5 ग्रेड वेरीफाइबल ऑक्शन शीट, ये इसकी न्यू लाइट है जो कि न्यू शेप में आई थी, और ये इसके फोग लैम्प है जी, LED फोग लैम्प, LED हेडलाइट, ये इसके DRL है। और गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आपको जो है मैं गाड़ी की पूरी डिटेल बताता हूँ। वीवर्स ब्रांड न्यू गाड़ी है, पेट्रोल की बचते ही बचते हैं, मौजे ही मौजे हैं। LED फोग लैम्प, LED हेडलाइट और बहुत खूबसूरत ये DRL है। शो ग्रिल आप इसकी देख सकते हैं, क्रोम में है और बैज होंडा का मेंशन, वीडियो रिकॉर्डर, फ्रंट स्क्रीन, रडार, रेन सेंसर स्क्रीन, ओरिजिनल कंपनी फिटेड अलॉय व्हील्स हैं, हाइब्रिड का बैज है। और ये इसकी राइट साइड की प्रोफाइल आपके सामने है, फुट पैनल क्रोम में है, उसके बाद इसके क्रोम हैंडल, कीलेस एंट्री, डोर वाइजर ओरिजिनल होंडा कंपनी के, रूफ रेल ओरिजिनल इसकी जो है क्रोम में आई हुई है, टेल लाइट आपको मैं दिखाता हूँ, तो टेल लाइटें भी इसकी LED है। गाड़ी के रूम की तरफ चलते हैं। बेज रूम, लेदर कोशिश में, और बाकी इसका सारा ये फैब्रिक होता है। आपके ये डोर ग्लास 4 साइड के ऑटो में है, आपका ये सेंट्रल लॉकिंग आ गया, ये मिरर की सेटिंग्स आ गई, स्पीकर इन्होंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ होता है, और यहाँ पे आपके कप होल्डर की ऑप्शन है। उसके बाद अगर हम राइट साइड पर आ जाएँ तो ये इसका लेदर 2-टोन में है, जो कि ये 2018 में इस शेप में आ गया था। सीटों के अंदर एयरबैग दिए हुए, और ख़ूबसूरत इसका जो है ये फैब्रिक है, हाफ लेदर। राइट साइड पे मैं आपको दिखाऊं तो लेन असिस्ट कंट्रोल है, फ्रंट रेडार है, ट्रैक्शन है, इको मोड है। और हम अगर स्टीयरिंग वाली साइड पे आ जाते हैं तो व्यूअर्स लेदर स्टीयरिंग है। अगर आपको मैं ये राइट साइड पे दिखाऊं तो ये आपका लेन असिस्ट कंट्रोल आ गया, क्रूज़ आ गया, और यहाँ पे इन्होंने ये आप देख रहे हैं पैडल शिफ्टर है, एयरबैग, SRS, होंडा का बैज, और इस साइड पे आपका ये स्टीरियो का सारा कंट्रोल आ जाता है। माइलेज अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये आपके सामने 50,000 किलोमीटर्स है, 4.5 ऑक्शन शीट पर इसका ग्रेड है, और ख़ूबसूरत गाड़ी है। ये पिलर्स में दो एयरबैग हैं, एक ये दो, उसके बाद स्टेयरिंग में आ जाता है, पैसेंजर सीट पे आ जाता है, सीटों के अंदर एयरबैग हैं, और बैक रूफ पिलर में भी इसके एयरबैग हैं। टोटल इसमें 8 एयरबैग आते हैं। पुश बटन स्टार्ट, क्लाइमेट कंट्रोल इसका AC, बोथ साइड आपकी हीटेड सीट है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका नेविगेशन अगर आप देखें तो पायनियर का नेविगेशन ओरिजिनल आया हुआ है विद बैक व्यू कैमरा, और बैक कैमरा के साथ मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देखिए अगर हम इसका रिवर्स गियर लगाते हैं तो ये ऑटो आपका साइड व्यू मिरर है, जिसमें आपको वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करेगा।
आपका ये पैनल खूबसूरत ऑटो हैंडब्रेक आ गई, स्पोर्ट्स मोड आ गया। अगर हम इसको प्रेस करें तो ये आपको मीटर में मैं दिखाता हूँ, ये मैंने स्पोर्ट प्रेस कर दिया है, ये अब आपका आरपीएम शो हो गया इस साइड पे। अब अगर आप इसको स्पोर्ट मोड पे चलाना चाहें तो आप ये पैडल शिफ्टर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल मोड पे चलाना चाहें तो मैं दोबारा इसको प्रेस करता हूँ, ये नॉर्मल ईवी मोड पे आ गई गाड़ी। गाड़ी बहुत खूबसूरत है, लेदर पैच ये इन्होंने दिया हुआ बेज रूम के साथ। आपका ये हार्ड प्लास्टिक में डैशबोर्ड है, और ये वीडियो रिकॉर्डर है, कैमरा इन्होंने दिया हुआ है इनसाइड। नॉर्मली जितनी जापानीज गाड़ियाँ हैं अब सब में ये वीडियो रिकॉर्डर आता है, ड्यूरिंग ड्राइव आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बैक साइड पे भी इसका वीडियो रिकॉर्डर आता है, फ्रंट साइड पे भी वीडियो रिकॉर्डर आता है। देन आपका जो है स्पीड डिस्टेंस कंट्रोल, जिसको आप रडार बोलते हैं, वो भी इसमें अवेलेबल है, और गाड़ी बहुत खूबसूरत है। ऑक्शन शीट वेरीफाइएबल, 4.5 बी ग्रेड, 50,000 किलोमीटर चली हुई, और आपको पता है कि होंडा वीजल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के साथ ये गाड़ी मेरे पास अवेलेबल है। फ्यूल एवरेज की बात करें तो बॉस 25 से 30 की एवरेज है। जो दोस्त ये कहें कि ये एवरेज इतनी नहीं देती, आप मेरे शोरूम पे आएँ, मैं आपको ड्राइव पे भी लेके जाऊंगा, आपको बताऊंगा कि ये एवरेज इतनी है। और हाँ, अगर किसी दोस्त की यूज़ में गाड़ी है उसके पास और उसको फ्यूल एवरेज इतनी नहीं मिल रही, तो वो इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा कि आपकी गाड़ी की एवरेज कैसे बेहतर होगी। बाकी गाड़ी आपके सामने है, आपका ये ग्लो बॉक्स है, रूम इसका बहुत खूबसूरत है, सेंटर कंसोल, यहाँ पे इन्होंने ये स्पेस दी हुई है, उसके बाद ये आपके पास स्पेस है, और अगर आप इसको प्रेस करें तो ये देखिए ये आपके कप होल्डर बन जाते हैं, जिसमें आप दो इजीली कप रख सकते हैं। पैनल इसका बहुत खूबसूरत है, और गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन है। आपको मैं रियर साइड पर ले चलता हूँ, बैक इसके ओरिजिनल टिंटेड ग्लास है, सेम आपका हैंड रेस्ट जो है, आर्म रेस्ट जो है वो लेदर के साथ है, बाकी इसमें फैब्रिक आता है। यहाँ पे स्पीकर आ गया, और ये आपका कप होल्डर। रियर सीट्स जो हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में, आपको 3 हेडरेस्ट मिलते हैं, और लेग स्पेस में अगर आप जाएं तो वेरी कंफर्टेबल कार, वेरी स्पेशियस। ये आपके सामने बैक पॉकेट है, यहाँ पे भी आपको कप होल्डर दिया हुआ, और ये आपका जो है चार्जर दिया हुआ है, और आपको ये मैं फ्रंट से इसका रूम दोबारा दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत गाड़ी, न्यू शेप में 2018 मॉडल, जिसकी लाइटें भी चेंज आई थी, और कॉस्मेटिक मैंने आपको दिखाया, ये नया आ गया था, ये मेरे शोरूम पे अवेलेबल है। मेरे पास और भी गाड़ियाँ हैं, आप विजिट कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। तो चलते हैं, इसका आपको मैं बैक साइड दिखाता हूँ। बैक स्पॉइलर है, शार्क एंटीना और रियर स्क्रीन एंटीना, और ये क्रोम की इसमें खूबसूरत पट्टी दी हुई है, ओरिजिनल बैक व्यू कैमरा, और ये इसमें जो मैंने आपको बताया न्यू शेप में, इसकी डिग्गी में ये थोड़ा सा कर्व आता है, जो कि इससे 18 मॉडल से पहले डिग्गी में नहीं आया था। हाइब्रिड का बैज, वीजल का बैज, बम्पर के आप निचली साइड पे देखें तो रिफ्लेक्टर इन्होंने दिए हुए, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। ये देखें दोनों सीटों पे टोटल इसमें 8 एयर बैग है, क्रोम हैंडल बोथ साइड, आपका जो है वो कीलेस एंट्री डोर है, इंडिकेटर मिरर, तो वीवर्स होंडा वीजल मेरे शोरूम पे अवेलेबल है, स्मार्ट कार 51 जेल रोड लाहौर। आपको वीडियो में मेरा एड्रेस दिख रहा होगा, साइन बोर्ड दिख रहा होगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और प्राइस की बात करें तो हम इसकी 85 लाख रुपीज़ इसकी डिमांड कर रहे हैं, 4.5 ग्रेड में गाड़ी अवेलेबल है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो और नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।